देश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना वायरस के चलते देश भर पर लॉकडाउन है, ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही है। सभी जगह पुलिस लगातार जनता से शांति व्यवस्था के साथ संयम बरतने की अपील कर रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बालोद से एक ऐसी घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ अर्जुंदा नगर में पुलिस के जवान लॉकडाउन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाने की समझाइश दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी और वो पुलिस से ही न सिर्फ उलझे बल्कि उन पर लाठी और तलवार से हमला भी कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि कई अपनी जान बचाकर बमुश्किल भागे। हालांकि बाद में मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें प्रधान अध्यक्ष के सिर पे और कांस्टेबल के हाथ में और कांस्टेबल के पेट पे चोट आई है। प्रकरण में उसमें से 2 आरोपियों को अभी पकड़ लिया गया है, 6 आरोपियों को तलाश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बालोद की, जहां पर लॉकडाउन में भी गुंडागर्दी लगातार जारी है। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंस की समझाइश देने पर पुलिस को ये समझाइश ही भारी पड़ गई और लोगों ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। आपको बता दें कि लाठी और तलवार से पुलिस वालों पर हमला किया गया है। जो पुलिस वाले लगातार आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन्हीं पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और लोगों को समझाइश दे रही है, पर कहीं ना कहीं अब ये समझाइश देना भी लोगों को नागवार गुजर रहा है।